जाना है केमाड़ी, केमाड़ी के लिए जाना है यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से जाना है यहाँ से सीधा। तो पहुँचते हैं रॉबर्ट्स केव और दिखाते हैं आपको रॉबर्ट्स केव पे ले जा रहे हैं और बताऊँगा आपको किस जगह का नाम रॉबर्ट्स केव क्यों है। तो पहले वहाँ पहुँचते हैं, तो लेट्स गो। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से मतलब मुश्किल से 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से। क्या नाम है भाई साहब आपका? दीपक। दीपक, ये दीपक जी मुझे रास्ते में मिल गए हैं, इन्होंने मुझसे लिफ्ट लिया है तो इनको मैं आगे तक छोड़ूंगा। तो चलें दीपक जी। चलो सर, बिल्कुल चलो। तो दीपक जी आप यहाँ क्या काम करते हो? तो यही है, लोकल है। मतलब करते क्या हो? मैजिक खिलाते जी। हैं? मैजिक खिलाते हैं टाटा मैजिक। मैजिक किस टाइप का मैजिक दिखाते हो? मैजिक भाई साहब चलाते हैं गाड़ी। अच्छा मैजिक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो? ड्राइवर है। अच्छा ड्राइवर हो आप, तो आपका मतलब बर्थ देहरादून का ही है? बिल्कुल। अच्छा चलो बढ़िया है, जाते रहते हो रॉबर्ट्स केव? भाई जी हम बचपन से जाते थे, अब तो आजकल तो अब हम वहीं गाड़ी चलती है हमारी, तो वहीं छोड़ते हैं सवारी को लेके आते हो। अच्छा क्या माहौल है आजकल रॉबर्ट्स केव में, बाहर के लोग आ रहे हैं? रॉबर्ट्स केव बहुत बढ़िया है, सैटरडे संडे को बहुत जाम लगा रहता है। अच्छा, और आधा दिन में कुछ सैकड़ों में सवारी आती है। अच्छा सैकड़ों में मतलब संडे सैटरडे को आती है, और दिन में 70-80-100 सवारियाँ तकरीबन हम लेके छोड़ते रहते हैं। काम ठीक है मतलब आपका? हमारा तो ठीक, बहुत ठीक भी नहीं है, ठीक ही है। तो कोरोना में तो आपका काम खराब हो गया होगा? थोड़ा खराब ही था भाई साहब। चलो लेकिन अब तो खैर थोड़ा रफ्तार पकड़ ली काम ने, पकड़ ली है, थोड़ी हल्की हो गई। अच्छा तेल ले, रेड मार रही है। तेल ले, तेल ले, तेल ले, तेल ले, तो तेल निकाल ही रखे भाई। बाकी आप क्या बता रहे थे, कौन से डाकू रहते थे यहाँ पे? डाकू मानसिंह की गुफा बोलते हैं लोग भाई। लोग तो बोलते हैं कि ये डाकू किसी डाकू मानसिंह की गुफा थी, वो डकैती डुबूती डाल के सारा अपना ताम झाम जो है चोरी चोरी का सामान सारा वहीं छुपाता था ना। तो अब तो डाकू है नहीं वहाँ पे, बट हाँ पिकनिक स्पॉट बन चुका है और इट्स नेचुरल, तो कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन तो नहीं हुई ना। हाँ मतलब जो शुरू से था नेचुरल वैसे ही है, बट हाँ पिकनिक स्पॉट है तो काफ़ी लोग आते हैं और 2-3 घंटे के लिए फ़न के लिए बढ़िया है, बाकी आपके ऊपर है जितना मर्जी आप टाइम स्पेंड करना चाहो कर सकते हो वहाँ पे। हाँ तो यहाँ से दीपक जी क्या कन्वेंस है, मतलब कैसे पब्लिक, अगर किसी के पास अपना ट्रांसपोर्ट नहीं है और मान लो कोई बाहर से आ रहा है तो वो कैसे पहुँचेगा यहाँ तक? हाई सिटी में सर एक तो मैजिक स्टैंड है, हाई सिटी में है। अच्छा, और बाकी परेड ग्राउंड से बसें आती रहती हैं यहाँ पर। अच्छा यहाँ डायरेक्ट बस आती है? डायरेक्ट बस आती है परेड ग्राउंड से। अच्छा, और आईएसबीटी से मैजिक मैजिक टाटा मैजिक आते हैं यहाँ, इस टाइप के मैजिक है वो खड़ा है इस तरह। लोडिंग है? तो लोडिंग नहीं भाई साहब, सवारी वाला है, सवारी मैजिक है वो। अच्छा सवारी वाला मैजिक है, तो ये लोकल ट्रांसपोर्ट है यहाँ का ना? लोकल ट्रांसपोर्ट। तो अभी दिखा देते हैं लोगों को ना। तो भाई ये देख लो, ये जो है ना मैजिक, ये देख लो मैजिक, ये लोकल ट्रांसपोर्ट है, ज़्यादा किराया भी नहीं है और ये आईएसबीटी से चलते हैं, ये यहाँ छोड़ देगा, ये यहाँ से नीचे गेट है, ये जाना है नीचे, तो हम जाएंगे अब यहाँ से नीचे मैजिक छोड़ देंगे। ठीक है ओके। दीपक जी को तो हो गया काम यहाँ से खत्म। चलो रास्ता देख लो भाई नीचे का। तो गाइस ज़रूरी नहीं है कि आपको अपनी गाड़ी से आना है, कई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने मतलब कन्वेंस से ट्रैवल नहीं करते हैं, तो अगर आप जो हो वैसे भी लोकल ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करना चाहते हो तो आईएसबीटी पे आपको मैजिक मिल जाता है जो लोकल ट्रांसपोर्ट है, वो तो आपको यहाँ तक छोड़ देगा। तो देख लो यहाँ का सीन ये है, नीचे उतर चुका हूँ मैं और ये बस पहुँचने वाले हैं रॉबर्ट्स केव। तो ये किसी डाकू मानसिंह की गुफा थी, तो रॉबरी करने के बाद वो अपना सारा सामान आ यहीं पर छुपाते थे और यहीं पर ही इनका जो है लगा लो क्या कहते हैं, इट वॉज देयर हाइड आउट, हाइड आउट प्लेस। तो देखते हैं, इवन आई एम कमिंग टू दिस प्लेस आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई डोंट नो व्हाट हैज़ चेंज्ड एंड व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड, सो आई वुड बी एक्सपीरियंसिंग दिस फर्स्ट हैंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो लेट्स सी यू नो हाउ इट गोज आउट एंड आई शो टू गाइस। इसके कान क्यों खड़े हो रखे हैं? हेलो कान क्यों खड़े भाई तेरे? तो अभी बज रहे हैं दोपहर के आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 2:00, तो यहाँ पे पूरा दिन स्पेंड करने की मतलब कोई वो नहीं है, दोपहर तक आओ और अपना 2-3 घंटे अपना स्पेंड करो और उसके बाद अपना निकल जाओ। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ नीचे
तो मैं आपको दिखा देता हूँ रास्ता। यहाँ पर एक जो है स्विमिंग पूल है, अगर आप पूल में जाना चाहो तो पूल में भी जा सकते हो। और यहाँ से जो है वो केव का रास्ता है, यहाँ से इधर से केव का रास्ता है और ये रहा स्विमिंग पूल का रास्ता। तो पहले मैं देखता हूँ स्विमिंग पूल का क्या माहौल है, और स्विमिंग पूल देख के तो मेरा भी बड़ा मन करता है कि बस कूद जाऊँ। तो देखते हैं कूदता हूँ कि नहीं कूदता हूँ। आई एम कैरिंग माई स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स टुडे, सो लेट्स सी क्या होता है। सो टू फाइंड दैट आउट यू वुड हैव टू वॉच द फुल वीडियो whether I'm going to jump inside the pool or not. See, grandpa's swimming pool. Guys, देख लो, टिकट काउंटर है पूल की एंट्री के लिए। 80 रुपये टिकट है ना? 80 रुपये टिकट है। ठीक है जी, ठीक है, ये लो भैया 20 रुपये आपके पार्किंग। ठीक है, तो गाइज एंट्री हो गई है अंदर, और देख लो भाई ये है पूल। भाई कितना फीट है मैक्सिमम? 8 फीट है। स्विमिंग आती है तुमको? नहीं यार, थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो 8 फीट पर जाते नहीं हो आप लोग? नहीं जाते। चलो आज मैं आज मैं आपको जाके दिखाता हूँ। ट्यूब के साथ चले आएंगे भाई? मैं बिना ट्यूब के जाके दिखाऊंगा तुम्हारा। अरे बिल्कुल आइए, वेलकम वेलकम। खींच लो भाई, खींच लो। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल स्विमर बट हाँ 8 फीट इन अ स्विमिंग पूल आई कैन मैनेज। ठीक है, क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद अनस। फोटोग्राफर आप भी? ना ना, तो ऐसे ही आगे था इन लोगों के साथ गरीब आदमी। अच्छा भैया, गोप्रो है ना? भाई गोप्रो है, बट आपको हेल्प करनी पड़ेगी मेरी। बिल्कुल, जब मैं वहाँ से जंप करूँगा ना तो आपको वीडियो बनानी पड़ेगी। बना लोगे? बिल्कुल। चलो ठीक है भैया, लॉकर की चाबी तो देनी है आपने। लॉकर गाड़ी की चाबी दो। गाड़ी की चाबी देनी पड़ेगी आपको? ये क्या कर रहे हैं? ये भैया मैं, मेरा चैनल है तो मैं शूट करता हूँ। अच्छा, कहीं कहीं जहाँ एडजस्ट करना पड़ता है? हाँ, जहाँ भी जाता हूँ शूट करता हूँ। यूट्यूब पे और फेसबुक पे चैनल है मेरा। क्या नाम है आपका अंकल? थापा। थापा जी जी। फर्स्ट नेम क्या आपका? उदय सिंह थापा। उदय सिंह थापा जी, ठीक है जी। उदय सिंह थापा जी, चलते हैं फिर। चलो भाई, लॉकर मिल चुका है, कपड़े करते हैं चेंज। फॉर्चुनेटली आई हैव माई कॉस्ट्यूम विद मी टुडे, सो ओवर हियर इट्स 8 फीट। So if you don't know how to swim, then don't jump. If you're a good swimmer, only then I would recommend to jump. If you don't know swimming, then please refrain from coming this side. You can only stay over there, in that area. Maybe half of the pool. So, jata hoon main pool ke andar. I get to it first, I got you mad. I guess that when I get to it last, get it that I'm never going back. Get it that I'm never going back. I get to it first, I got you mad. I guess that when I get to it last, get it that I'm never going back. Get it that I'm never going back. Going up, going up, going up, going up, going up, going up. Get it that I'm never going up, going up, going up, going up, going up, going up, going up. Get it that I'm never going. I get to it off the runway. Different incomes, not one way. Living life on a one way. I knew this would happen someday. You can ask my day. Oh, बच गया भाई, ये तो सीधा ही जाता अभी। Are you guys ready? Different summer, different car keys. I'm the life of the party. Might buy a bike like a Harley. Totally do so gnarly. God got me, can't harm me. I got armor and a army. Battle scars, battle smartly. Just forever like a Sharpie. I get to it first, I got you mad. I guess that when I get to it last, get it that I'm never going back. Get it. Hi guys, welcome back. So, pool mein ho gaya enjoyment. And pool se main thodi bahar aa gaya hu. So I'm going to leave now and let's go to the cave and let's find out what's inside the cave. देखते हैं कैसा माहौल है वहाँ का। और धूप तो बहुत ही भयंकर हो चुकी है इस समय, तो अच्छा हुआ कि मैंने पूल में थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश कर लिया है। एंड
Now I'll show it to you guys how this cave looks like. So let's go towards the cave and let's see what we have over there. So let's go. Cave ki shuruaat yahan se Delhi Dhabe se. Chalte hain dekhte hain kya scene hai andar ka. Let's see. Punjabi food corner. Haunted house. Wow. ये देख लो पार्किंग है, ये टू व्हीलर्स की पार्किंग है एंड राजू छोले कुलचे भी है, पीछे भी पार्किंग है। तो चलते हैं अंदर, चलते हैं केव की तरफ। वेलकम टू गुच्चूपानी रॉबर्ट्स केव। टिकट प्रति व्यक्ति 35 रुपये, 4 साल से बड़े बच्चे का टिकट लगेगा। चलो भाई लेट्स बाय अ टिकट। कितने? 35 रुपये के भैया। लेट्स गो। देख लो भाई एंट्री हो गई है रॉबर्ट्स केव के अंदर। दिस इज द व्यू यहाँ से, बाकी अंदर चलते हैं। इट्स अ पिकनिक स्पॉट फॉर फैमिलीज, कपल्स, हूसोएवर वांट्स टू कम कैन कम हियर, कैन चिल। कैमरा है भैया, ये क्या चीज़ है? ये रिकॉर्डिंग हो रही है। जॉन सीना। जॉन सीना। चलो जॉन सीना के फैन हो आप? हाँ। जॉन सीना की कोट बताओ। क्या बताओ? कोट, कोटेशन, क्या फॉलो करता है वो? बस उसका तो वो जो ड्रेस, उसकी टी शर्ट पे क्या लिखा होता है? चलो, नेवर गिव अप। ग्रेट। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार। थैंक यू। ओके बॉस। नेवर गिव अप। नेवर गिव अप। उसका वो टी शर्ट निकालने का स्टाइल है ना? ऐसे। मैगी खा रहे हो क्या? भेलपुरी है। चलो कहाँ से आ रहे हो आप लोग? हम सोनीपत से। सोनीपत से आ रहे हो? हाँ। अच्छा, मतलब कब आए हो आप लोग? भाई हम अभी आए थोड़ी देर पहले। डायरेक्ट यहीं आए हो? हाँ हाँ। आपको जगह कैसे मालूम पड़ी? हमने आज यहाँ से जा रहे थे। अच्छा। तो मैंने देख लिया, फिर मैं सोचा चलो 10 मिनट इधर घूम लें, यहाँ आ गए थे। फिर लो आप भी, लो आप भी खाओ। नहीं खाओ भैया, थैंक यू, आप खाओ। मैं तो खैर एक्चुअली देहरादून से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरा चैनल है यूट्यूब पे, तो मैं वीडियोस वगैरह शूट करता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, यूट्यूब और फेसबुक पे चैनल है मेरा ट्रिप इन विद वरुण के नाम से। अच्छा, तो मैं सारी ये जितनी भी देहरादून के आसपास की, उत्तराखंड, मतलब देहरादून भी नहीं, उत्तराखंड के अंदर जितनी भी अच्छी अच्छी लोकेशन है सबका शूट करता हूँ। हम यहाँ है सहारनपुर, FCI भारतीय खाद्य निगम से। अच्छा। हाँ, ये भाई भी और मैं, ये जयिंदर कुमार है, मेरा नाम विनोद कुमार है। अच्छा। हम यहाँ कुछ ऑफिस लिए काम से आ रहे हैं। ओके। हाँ, तो हमने काम निपटा के मगर चलो थोड़ी देर विश्राम किया जाए। बढ़िया करा आपने, काम करने के बाद थोड़ा रिलैक्सेशन तो जरूरी है ना। तो मैं आप टाइम से फिर घर पे पहुंच जाएंगे। चलो ठीक ठीक है भाई, थैंक यू, अच्छा लगा मिलके आपसे। ओके भाई। सागर भाई की बेल, आटे मीठे दिक्की बेल, एक बार खाओगे बार बार आओगे। कितने की है? 50 रुपये सर, मात्र 50 रुपये। चलो मैं पहले आगे थोड़ा घूम लूँ, उसके बाद आप। ये बूढ़ा गाय जवान हो जाए, बच्चा गाय पहलवान हो जाए। ग्रेट। This is the kids zone. देख लो भाई झूले वगैरह हैं यहाँ पर, बच्चों के लिए अच्छी जगह है। फैमिली के साथ आ रहे हो, बच्चे बच्चे हैं छोटे साथ में, तो यू कैन कम हेयर एंड यू कैन चिल हेयर फॉर लाइक अ कपल ऑफ आवर्स। देख लो ये भी शुरुआत है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जो मेन गुफा है वो आगे है। What's your name? देख के वंशिका को सामने। हेलो वंशिका, हाउ आर यू? इसका प्रत्याशा है। प्रत्याशा? ओके ओके ओके। आई थॉट हर नेम इज वंशिका। हाय प्रत्याशा, हाउ आर यू? वेल फाइन। आर यू एंजॉयिंग? वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम रुड़की। यू फ्रॉम रुड़की? ग्रेट। आर यू हैविंग फन? Yes. Yes. Okay. Enjoy. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.
दिस इज़ दी रॉबर्ट्स कैफे। भूख लग जाए अंदर तो आ जाओ यहाँ पे, हाँ पी लो। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू ईट समथिंग, लेट मी गेट अ वाटर बॉटल फर्स्ट। भैया यार एक पानी की बॉटल दे दो ठंडी, ये लीजिए। थैंक यू। हेलो, हाउ आर यू? क्या नाम है आपका? मैरी चंद। हाँ, मैरी चंद। मैरी चंद, मैरी चंद वो सिस्टर है आपकी? वो बहन है आपकी छोटी? हेलो, मुझे भी खिला दो फन फ्लिप्स, मुझे भी खिला दो थोड़े से हालू में। क्या नाम है इसका? मारिया। इसका नाम मारिया है? कहाँ रहते हो आप? मैं अच्छा, जंप करो इस पर एक बार, जंप करो, उछलते है मरिया को तो उठाओ। बेलपुरी 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 बेलपुरी।